देखिए प्यारे किसान साथियों, अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो बड़ी योजनाओं के लिए ऐलान कर दिए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17वीं किस्त का पैसा भी जारी कर चुके हैं, और उसके बाद देखिए दो नए बड़े ऐलान कर दिए हैं। आखिर माजरा क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 17वीं किस्त का पैसा जारी किए थे उसी में उस योजना को लागू नहीं किया, और अलग से आज देखिए फिर से 17वीं किस्त के बाद जो है दो नई योजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किए, जिसके तहत मैं आपको बता दूं दो जो बड़ी योजनाएं हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब जो है आपको खाद योजना के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा और सिंचाई योजना के लिए आपको अलग से पैसा दिया जाएगा। इसके लिए मैं लाइव संवाद सुनवाता हूं, देखिए ये दो बड़ी योजनाएं अब चालू की जाएंगी, सुनिए। किसान चौपाल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को संबोधन, किसानों से भी होगी सीधी बात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की होगी जारी, 9 करोड़ किसानों के खातों में डाले जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि हम देश भर के करोड़ों किसानों को वो संसाधन दे रहे हैं जिससे कि हमारा देश सशक्त एवं मजबूत बन सके। लेकिन देश सशक्त एवं मजबूत कब बनेगा, जब किसान भाई सशक्त एवं मजबूत बनेंगे। तो आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17वीं किस्त का पैसा जारी करने के बाद एक और किस्त यानी कि 18वीं किस्त का पैसा जारी किए, और मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैसेज भी मोबाइल में दिखा दूंगा कि देखिए पूरे देश दूर दराज बैठे किसानों के मोबाइल में मैसेज जा रहा, चाहे आप यूपी से, बिहार से, राजस्थान, झारखंड से, किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, तो सभी राज्य के किसानों को यह पैसा दिया जा रहा। 17वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद आज फिर से साइन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18वीं किस्त का पैसा। जी हाँ प्यारे किसान साथियों, 18वीं किस्त का पैसा जो है किसानों के खाते में जा रहा है। लाइव प्रूफ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ में देखिए किसानों को जो मोबाइल में मैसेज जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी जो योजना है, देखिए किस प्रकार से पैसा गिन रहे हैं लोग पैसा पाकर। देखिए मैसेज देखिए, किसान भाई जिन किसानों ने अपना KYC करवाया, 2,000 रुपये का मैसेज आ रहा, कुल 6,000 रुपये की धनराशि जो दी जा रही थी उसे 8,000 रुपये कर दिया गया। अब देखिए आपको बता दें कि अब तक जो किसानों को लाभ दिया गया है वो 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ गया है, और अब जो पैसा जा रहा है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आज के दिन से ही ट्रांसफर कर दी गई है। अब देखिए हम किसानों को जो पैसा है वो दिखाते हैं, मोबाइल में मैसेज भी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए 2019 में ये शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और जो अब तक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बन चुकी है, किसानों के बीच ये योजना बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और बहुत ही ज्यादा कामगार है, क्योंकि देखिए इस योजना के तहत जो किसान भाई लाभान्वित होते हैं, किसान केंद्रीय डिजिटल बुनियाद का ढांचा बन चुका है। आपको बता दूं ये मोबाइल के जरिए यानी कि पैसा चला जाता है, ये देखिए 2,000 रुपये महिला किसान पुरुष किसान के खाते में गया, और लगभग लगभग सभी किसानों के खाते में ये पैसा जा रहा है, लगातार जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जिस प्रकार से KYC आपने करवाया, आपको मैं आपको फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए करवा सकते हैं, नो योर स्टेटस मॉड्यूल जो है उसके तहत आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं 2,000 रुपये का मैसेज भेजा रहा, सभी किसान भाइयों से मैंने मिला और बातचीत भी की, तो जी हाँ सभी किसान भाई बता रहे हैं कि पैसा जा रहा और पैसा हमें लगातार मिल रहा है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में ये पैसा जाता है, वो भी कंप्यूटर के एक सिंगल क्लिक से। इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में यानी मैं आपको दे रहा हूँ आपकी भाषा में। देखिए पीएम किसान की 17वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है, और इसी के साथ आज जो है 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आज फिर से ट्रांसफर हो चुकी है 18वीं किस्त के रूप में। अगर आप लोग भी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का फिर से लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी पैसा गया 17वीं किस्त के बाद 18वीं किस्त का, तो आज ही आप लोग अगर अपना KYC भूमि के सत्यापन आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं किया तो जल्द से जल्द करा लें। आपको भी उन्होंने हस्ताक्षर करके और ये बताया कि किसानों को हम तुरंत पैसा भेजने वाले हैं, आज 17वीं किस्त आपके हाथ पर कमलों से जारी होने वाली है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 6,02,06,75,000 किसान भाइयों को 4,343 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, जिसमें वाराणसी के 2,74,000 किसान भाई हैं
और इस प्रकार से किसानों को ठोस तरीके से कैसे उनके कृषि कार्यों के लिए लागत को घटा करके आमदनी को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। समय कम है इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत चर्चा आगे नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कारण आज न्यूनतम समर्थन मूल्य को आपने 1.5 से 2 गुना किया। प्यारे किसान भाइयों, आपको 4,000 रुपए अलग से दिए जा रहे हैं, और अब देखिए प्यारे किसान साथियों, आपको खाद के लिए पैसा दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि किसान साथियों, अब सभी लोगों को खाद के लिए पैसा दिया जाएगा। तो खाद के लिए क्या पैसा आएगा मैं वो भी बता दूं, तो खाद के लिए आपको 5,000 रुपए अलग से दिया जाएगा। लाइव संवाद भी सुनिए। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं कि देश के 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल है। इन किसानों को ₹21 करोड़ अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव संवाद कर रहे हैं कि सभी किसानों को अब अलग से पैसा दिया जाएगा खाद बीज योजना के लिए, यानी कि अब किसानों को जो 5,000 रुपये अब अलग से दिया जाएगा। जी आपने बिल्कुल सही सुना कि खाद बीज योजना के लिए 5,000 रुपये अलग से किसानों के खाते में जाएगा, लेकिन यह पैसा सिर्फ व सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में जाएगा जो किसान भाई अपना ही KYC भूमि का सत्यापन आधार सीडिंग का काम ये सब कुछ करवा लिए हैं। तो किसानों के खाते में 5,000 रुपये अलग से खाद और बीज योजना के लिए जाएगा।